तो हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर की, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी की। हम लोग पार्ट वन इसका ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आए, तो काफ़ी सारी डिटेल्ड बात हम लोगों ने पहली वीडियो में की। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग मेनली बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी क्या होती है, कैसा नेचर होता है इकोनॉमी का, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा समाप्त। तो हम यानी कह सकते हैं इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में ही हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है आपकी, क्योंकि जनरली दो से तीन टॉपिक हैं इसमें बड़े बड़े। तो सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो तो हम लोग मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, क्या मतलब होता है। पहले तो आप लोग दोनों चीज़ों का मतलब समझो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा रिलेट करता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से, क्या था क्या है और भविष्य में क्या होना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक, यानी व्हाट इज व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर के बारे में जो भी हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, भविष्य के बारे में जो भी हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर बातें थोड़ी सी समझ में नहीं आई। देखो एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी है और मे बी फ्यूचर किस रेट से बढ़ रही है तो कितनी हो सकती है, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें पता है कि भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आप बेरोजगारी को कम करने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे सकते हो। जो भी आप सुझाव दोगे वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या आप सुझाव यानी कोई भी आप जो भी आप अपना स्टेटमेंट देना चाहते हो, क्या आप पास्ट के लिए देते हो कभी, क्या हम बोल सकते हैं कि पहले जो था वो इस वजह से था, यार देखो जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में हमें यहाँ पर बात नहीं करनी है। किस में, नॉर्मेटिव में, नॉर्मेटिव में आपको बात करनी है जनरली ओनली फ्यूचर के लिए, ठीक। तो जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं देश की, उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट देते हो, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा ओनली रिलेटेड रहता है फ्यूचर से, यानी व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए आपका, ठीक। आप जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होते हैं जनरली इसे आप ट्रू और फॉल्स के लिए प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे, आपके पास डाटा मौजूद होगा तो आप डाटा की हेल्प से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को प्रूफ कर सकते हो। यानी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे और आप उसे आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ फ्यूचर के लिए दिए गए स्टेटमेंट है। अब मैंने भविष्य के लिए कहा कि यार मनरेगा जैसी एक योजना और लानी चाहिए, उससे बेरोजगारी कम हो जाएगी। अब ये बताओ ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, मैंने फ्यूचर के लिए दिया, क्या मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ कि एक और योजना वाकई ले आए तो क्या वाकई अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। ये था सादा सिंपल सी मीनिंग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अब हम लोग जान लेते हैं क्या डिफरेंस है आखिर दोनों के बीच में। तो पहला पॉइंट हमारे पास, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज तो समझते हो ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सब बातें हम लोग को सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। अभी सिर्फ आप यहां समझ लो कि जो हमारे इकोनॉमी के इश्यूज हैं, मेन समस्या है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जो इकोनॉमिक इश्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग जब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ध्यान रखना यहां पर इकोनॉमिस्ट जो है उनके ओपिनियंस है। ओपिनियन समझ दो, जैसे मैंने अभी एक ओपिनियन दिया था कि हम बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं कोई योजना ला के, ठीक। तो एक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे देश की समस्या है, जो हमारे देश के इशू हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो भी इकोनॉमिस्ट अपने ओपिनियन देते हैं, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगेन इजी पॉइंट, सिंपल पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वॉज व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, क्या था क्या है और क्या होना चाहिए। आप कहोगे सर पहला और दूसरा पॉइंट लगभग सेम है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सेम है,
लेकिन यहाँ पर हम अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ओट टू बी, ओनली व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए भविष्य में, ये है सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली दी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। जो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैं या जो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं वो जरूरी नहीं है आपके सही ही हो। इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स, ये सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार भारत की जो राजधानी है, सॉरी जो आपकी इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। अभी आप गूगल की हेल्प से दोनों की पॉपुलेशन निकालोगे और आप बता दोगे कि भैया आप गलत बोल रहे हो, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम ट्रू और फॉल्स के लिए मेजर कर सकते हैं। आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स भी हो सकते हैं, जबकि जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें आप ट्रू और फॉल्स के लिए नहीं बोल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोगों ने बात की, लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम पर, COVID-19 कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है देश के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं, मेन सर्विसेज हैं जो देश के अंदर चल रही हैं, ठीक है, जैसे डिफेंस वगैरह बात करें, हॉस्पिटल्स वगैरह बात करें, अगर मैं कहूं कि यार एक काम करो टोटली इन्हें भी बंद कर दो, यानी हर एक इंसान देश का सिर्फ अपने घरों में ही रहे, कोई भी इंसान बाहर ना निकले, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सर हो सकती है, कुछ लोग कहेंगे सर पागल हो क्या, हॉस्पिटल में कितने सारे लोग हैं उन्हें कैसे बंद किया जा सकता है। तो ये देखो अपने अपने विचार हैं लोगों के, आप इसे सही और गलत के लिए प्रूफ नहीं कर सकते, ये आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे और एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो 2024 में हमारे इलेक्शन होंगे, हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पीएम इस बार राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। ये अगेन कैसा स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव है। क्यों है, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्यूचर के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, मे बी बन भी सकते हैं मे बी नहीं भी बन सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट है वो भी फ्यूचर के लिए, तो ये कैसा है, नॉर्मेटिव। जबकि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे उन्हें आप सही और गलत के लिए प्रूफ कर सकते हो, ठीक। जैसे अभी मैंने बोला भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली, तो अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सर है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं सर नहीं है, लखनऊ है शायद। मैंने कहा नहीं बेटा, आप गूगल की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो, ये आपके हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगेन सेम वही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। तो जो आपके फैक्ट और फिगर हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के, आप सही और गलत के लिए आप प्रूव कर सकते हो, आपके पास जनरली डाटा अवेलेबल होता है। जबकि जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, आपके फ्यूचर के स्टेटमेंट हैं, भविष्य के स्टेटमेंट है, क्या आप उन्हें सही और गलत के लिए प्रूव कर सकते हो, आप अभी प्रूव नहीं कर सकते हो इन्हें। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं आता है। वैल्यू जजमेंट समझते हो, एक इंसान के स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है। जनरली मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, सब लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये फैक्ट और फिगर के आधार पर फिक्स चीज़ें रहती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट ही होता है। बस जो इकोनॉमिस्ट ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम देखते हैं, यानी वैल्यू जज करते हैं किस में, नॉर्मेटिव में, ना कि पॉजिटिव में। और एक लास्ट पॉइंट जो आपका एग्जांपल है, अगेन मैंने एग्जांपल वही रिपीट किया है, वही दिया है आपको, कि कुछ लोगों ने कहा, ये एक इंसान ने कहा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन दी पॉपुलेशन ऑफ चाइना, भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है किससे, चाइना से। ये स्टेटमेंट गलत है, कोई भी इंसान इसे प्रूव कर सकता है। जबकि अगर हम लोग यहाँ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो एक एग्जांपल है, समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। अब कुछ कह रहे हैं कि सर ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। ओल्ड एज पेंशन समझते हो जो बूढ़े पुराने लोगों को जो पेंशन मिलती है वो। अब कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर बंद कर देनी चाहिए, सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है इस चीज़ में। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर बंद नहीं करना चाहिए, बूढ़े पुराने लोग क्या खाएंगे पियेंगे, उनके पास तो पैसे का कोई सहारा ही नहीं है। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आप सही और गलत के लिए प्रूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ डिस्कशन चलता जाएगा, डिबेट चलता जाएगा, बट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगी। तो ये है आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इकोनॉमी क्या है, ठीक। पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का नेचर कैसा होता है और इकोनॉमी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी, इंडिया इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम,
कोई पर्टिकुलर देश नहीं है इकोनॉमी, कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है इकोनॉमी, इकोनॉमी एक सिस्टम को बोलते हैं। आप सिस्टम के तौर पे आप चाहे भारत को लेके चलो, आप चाहे एक स्टेट को लेके चलो, चाहे ओनली एक डिस्ट्रिक्ट को लेके चलो, या चाहे एक छोटे से टाउन को लेके चलो, सब कुछ इकोनॉमी है। आप जिस चीज़ की बात करोगे वो इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। आप ये नहीं कहोगे कि एक पर्टिकुलर एरिया ही है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल ऑफ एन एरिया। अब देखो ये लाइन जरूर है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर अर्न देयर लिविंग, वो अपने जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाते हैं, कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। जैसे भारत एक इकोनॉमी है, भारत के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी जीविका कमाते हैं, खाते पीते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिस जगह वो कर रहे हैं वो आपकी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी, क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का आखिर नेचर क्या होता है। हमने जब इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने टोटल डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि एक सिस्टम है पीपल ऑफ एन एरिया। पीपल ऑफ एन एरिया का मतलब सिर्फ लोगों की बात कर रहे हैं, यानी अगर इकोनॉमी की बात होगी तो इकोनॉमी के लोगों के बारे में बात होगी। सेम यहाँ पर हम अगर नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का नेचर कैसा होगा? जैसा वहाँ के लोगों का नेचर होगा। अब कहोगे बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। देखो हम भारत को एक कृषि प्रधान देश बोल सकते हैं। कृषि प्रधान देश का मतलब क्या हो गया कि जो इंडिया के लोग हैं, या हम कह सकते हैं इंडिया की लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो जो भारत के लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का व्यवहार इन द सेंस कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा एंगेज्ड हैं, तो भारत की इकोनॉमी भी कैसी है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अगर हम कहें अमेरिका की इकोनॉमी है, जो अमेरिका देश है, वहाँ लोग इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, वहाँ के लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, ज़्यादा वहाँ से अर्न करते हैं, तो हम कह सकते हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ठीक, तो हम किसी भी इकोनॉमी के नेचर के बारे में जानने के लिए हम वहाँ के लोगों के नेचर के बारे में जानते हैं कि वहाँ के लोग आखिर क्या करते हैं, किससे अपनी जीविका कमाते हैं। जैसे भारत के अंदर मोर देन 50% लोग कहाँ से अपना जीवन अर्न करते हैं? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो हम बोल सकते हैं इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। देखो आपको यही सब सामने आपको दिख भी रहा है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि आखिर इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। और अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लो क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है उसमें भी इसका एक छोटा सा टॉपिक है, तो वहाँ मुझे ज़्यादा डीप में ना पढ़ाना पड़े, आप ये चीज़ें यहीं समझ लो। तीन प्रकार की इकोनॉमी है, बिल्कुल ईजी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मतलब सबका एक बार जरा नाम से समझ लो कि सबसे पहला है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो वर्ड सेंट्रल है, सेंट्रल का मतलब केंद्र, और केंद्र का मतलब यहाँ सरकार से बात हो रही है, केंद्र सरकार से बात हो रही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। तो जो हमारे इकोनॉमी है, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ दो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, यही सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए जो सारे डिसीजंस हैं वो जब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी डिसीजंस लेती है, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिसीजन कौन ले? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगेन बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट का मतलब हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट थोड़ी है। डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है, किसी चीज़ की सप्लाई कम है, उसकी प्राइस अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ऊपर पूरा मार्केट चलता है। ठीक, तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? मार्केट फोर्सेस के द्वारा, या हम कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा। इसके बाद तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, वो दोनों मिलके कंट्रोल करें। दोनों मिलके मतलब गवर्नमेंट भी प्लस आपके मार्केट फोर्सेस भी, यानी आपका प्राइवेट सेक्टर भी। ठीक, देखो जरा पहला पॉइंट हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दीज आर दी इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ गए आपकी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। ये आपका है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जबकि मार्केट इकोनॉमी, दीज आर दी इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय दी मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? डिमांड सप्लाई फोर्सेस।
ठीक है। इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो यहां पर आपके दोनों चीजें आती हैं, आप कौन कंट्रोल करेगा, मार्केट फोर्सेस, बट किसके द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, आपके गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों मिक्स में आ गया। सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है किसमें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है वो क्या सोच के डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर, तो इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइविंग द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जबकि जो आपके मार्केट फोर्सेस हैं, यानी हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ये क्या चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर चाहता है प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर जो मेन इकोनॉमिक डिसीजंस लिए आते हैं वो लिए आते हैं मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और तीसरा है आपका मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब दोनों ले लो, तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी आएगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, मार्केट की है, कंज्यूमर इज सॉवरेन, और यहाँ पर अगेन कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, यहाँ पर एक वर्ड आया है ये सॉवरेन, इसका अगर मतलब पता चल जाए तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन का मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो आप कंज्यूमर को देख के कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी कंज्यूमर की प्रेफरेंस को लेके चल रहे हो या नहीं। कहने का तात्पर्य है सॉवरेन का मतलब सीधा राजा, राजा का मतलब आप राजा के हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट है वो आपकी कंज्यूमर को देख के नहीं चलती है, फिर किसे देख के चलती है, वो देख के चलती है पुअर पर्संस को, यानी टोटल सोसाइटी के इंटरेस्ट को देख के चलती है। जबकि अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, तो मार्केट में आपको पता है प्रोडक्ट इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करें, कंज्यूमर भी अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज कर सकता है। तो दैट इज कंज्यूमर इज सॉवरेन, कहाँ पर, आपका मार्केट इकोनॉमी। जबकि सेंट्रली प्लान मिक्स्ड इकोनॉमी में अगेन नॉट सॉवरेन, क्यों, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर वो सारे गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कुछ हद तक प्रॉफिट भी आए, बट मेन जो रहता है वो सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर अपना ज़्यादा कुछ रोल नहीं प्ले कर सकता है। फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, रिसोर्सेज एंड प्राइसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, अगेन इजी पॉइंट, रिसोर्सेज और जो भी प्राइस हैं किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी में आपका प्राइवेट सेक्टर या मार्केट फोर्सेज, और मिक्स्ड में आपका बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। और लास्ट पॉइंट है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कौन चलाएगा, पब्लिक सेक्टर, किसमें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर समझ गो, अगेन गवर्नमेंट की बात करें इजी पॉइंट से, और बाकी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पर बोथ आएगा आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों। तो फ्रेंड्स इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, चैप्टर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है वाकई पढ़ाई में, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट तो क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ रिस्पॉन्स तभी मेरे को अच्छा लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमें ये समझ लो व्यूज़ मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हाँ व्यूज़ आ रहे हैं, लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद सिर्फ इतना ही करूँगा कि आपका तो भला हो वीडियो देख के, साथ में आप अपने फ्रेंड्स का भी भला करोगे, तो शेयर जरूर किया करो वीडियो को। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।